इस मॉड्यूल में हम क्लास सेफ्लोपोडस के दूसरे मेंटेनेंस फंक्शंस को डिस्कस करेंगे सेफ्लोपोड अनलाइक अदर मोलस्क दे हैव अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टम दैट इज़ नॉट इनक्लोज इनसाइड द आर्ट्रीज एंड वेंस आर ब्लड वेजल्स अब ब्लड जो है इसमें यूजुअली दिस इज कन्फाइंड टू वेजल थ्रू आउट इट्स सर्कट अराउंड द बॉडी अब जो दो इसकी वेजल्स हैं दे आर नॉर्मली कनेक्टेड विद वन अनादर वेजल्स दे एंड इन टू स्मॉलर वज जिसको हम कैपलरीज भी कह सकते हैं और कैपलरी बेड जो है दिस नॉर्मली कनेक्टेड द आर्टरीज विद द वस और जहाँ पर ये कनेक्शन होगा कैपलरीज का देर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेज और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट्स एक्सचेंज ऑफ मेटाबोलिक वेस दैर ऑल दिस प्रोसेस अकर्स अक्रॉस द कैपलरी वॉल फिर इन एडिशन टू हैविंग हार्ट हार्ट के अंदर इसके स्ट्रक्चर अगर हम देखें टू औरल्स हैं वन वेंट्रिपिकल है और इसेफ्लोपोर्ट्स के अंदर कंट्रेक्टाइल आर्ट्रीज स्ट्रक्चर है जिसको हम कहेंगे ब्रेंकील हार्ट अब लेटर जो है ब्रेंकील हार्टस दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द गिल एंड हेल्प टू मूव द ब्लड to facilitate circulate blood inside the whole gill. अब ये modifications जो हमने पढ़ी इसके अंदर branchial gills, hearts, auricles, ventricles, इन सब का क्या फ़ायदा है इन सब का फ़ायदा ये है कि जो भी इसके अंदर modifications हैं they normally increase blood pressure and the rate of blood flow. जितना ज़्यादा rate of blood flow होगा उतना ही ज़्यादा animal अपने आप को active feel करेगा और इसका हाई मेटाबॉलिक रेट होगा अब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर भी चूँकि गिल्स से फ्लश करता है गिल्स को इसके साथ अगर सर्कुलेशन ऑफ वाटर भी हो जाए तो ओबियसली एक्सचेंज ऑफ गैसिस का फेनोमेना भी इन्हांस हो जाता है फिर सेफ्लोपोर्ट जो हैं इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की एफिशिएंसी भी इन्हांस्ड है वो किस वजह से इनहान्स है क्योंकि उसमें भी ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है अगेन दर इज़ अ क्लोज एसोसिएशन ऑफ ब्लड वेजल्स विद द नेफरीडिया नेफरीडिया वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है एंड दे सिक्रीट डायरेक्टली फ्राम द ब्लड इन टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम अब सेफ्लोपोर्ड्स का अगर नर्वस सिस्टम हम देखें दैट इज़ यूजली अनपैरेल्ट इन एनी अदर इनवर्टिब्रेड्स सेफ्लोपोडस में ब्रेन है ब्रेन इज़ लार्ज और इसकी एवोल्यूशन जो है वो हमें ये बताती है कि सेफ्लोपोड दे आर प्रीडेटरी हैबिट्स एंड दे आल्सो शो डेक्सटरी। ब्रेन जो है दिस इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ गैंगलियन और लार्ज एरियाज जो हैं मसल कंट्रेक्शन स्विमिंग मूवमेंट्स में सकर्स की क्लोजिंग में सेंसरी परसेप्शन में और मेमोरी में डिसीजन मेकिंग में जो ब्रेन है नाउ दिस इज प्लेइंग इट्स इम्पॉर्टेंट रोल फिर रिसर्च जो है सेफ्लोपोर्ड्स के ब्रेन के अंदर हमें एक क्लियर एविडेंस प्रोवाइड करती है हाउ इट्स ब्रेन फंक्शनिंग एंड पार्ट्स आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स अब इसकी आइज हम कटल फिश या स्क्विड की देखें दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द वर्टिब्रेट आइज अब ये सिमिलैरिटी इनकी जो वर्टिब्रेट आइज़ के साथ है दिस इज एन excellent example of convergent evolution or in contrast to vertebrate eye nerve cells they leave the eye from outside the eyeball so there no blind spot exists in the body of cephalopods this is the structure of eye in case of cephalopods and this structure of eye is incompatible with the vertebrate eye structure there is retina lens cornea iris ciliary muscles and optic nerves so from this we can say that there is beginning of trends towards adult modification that were present in the adult body of the vertebrates